अपनी सेहत से मुतालिक मुस्तनद डॉक्टर्स की राय जानिए। कोला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। मेरा नाम डॉक्टर नाहिद अख्तर राना है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं रिसेंटली मैंने पाकिस्तान मूव किया है और मैं यहाँ पे करंटली एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। मेरी ट्रेनिंग जो है मोस्टली अब्रॉड हुई है। मैंने पाकिस्तान से MBBS किया, उसके बाद मैं सऊदी अरेबिया चली गई, वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग हुई और फिर मैं इंग्लैंड चली गई। वहाँ से मैंने फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन की, MRCUG किया, DFFP किया और FRCUG किया। यहाँ आने से पहले, पाकिस्तान आने से पहले मैं तकरीबन 10 साल इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल में, जिसका नाम रॉयल ओल्डम हॉस्पिटल है, जहाँ पे मोर देन 5,000 to 6,000 डिलीवरीज होती हैं पर ईयर, वहाँ पे काम कर रही थी। लेकिन अब मैं पाकिस्तान आ गई हूँ और मेरा एम है कि मैं पाकिस्तान के लोगों को उसी लेवल की केयर प्रोवाइड कर सकूँ जो कि हम इंग्लैंड में करते थे। आज हम प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे कि इसमें इंसान को क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं और उनको किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है। ऑल्सो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक हमला औरत को प्रेगनेंसी के दौरान क्या ग़िज़ा खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उनको अवॉइड करनी चाहिए ताकि उनकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे। इससे पहले कि हम प्रेगनेंसी की मुश्किलात के बारे में बात करें, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी इट्सेल्फ जो है वो कितनी स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं। हम प्रेगनेंसी को मोस्टली 3 trimesters यानी कि 3 trimesters में डिवाइड करते हैं। पहला ट्राइमेस्टर वो होता है जिसमें प्रेगनेंसी पहले वीक से लेके 12 हफ्ते तक होती है, उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है 13 week से और ये 26 weeks तक रहता है। थर्ड ट्राइमेस्टर 26 weeks से 40 weeks तक होता है। हर ट्राइमेस्टर की यानी कि हर स्टेज की डिफरेंट कंडीशंस हैं जो कि औरत सफ़र कर सकती है। इसमें डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हो सकती हैं और हर एक की डिफरेंट तरीका या इलाज है। पहला ट्राइमेस्टर जो है इसमें अर्ली प्रेगनेंसी होती है, उसकी इंसान को प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो आपको चाहिए कि आप उससे 3 महीने पहले फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। फॉलिक एसिड एक बहुत ही छोटी सी टैबलेट है जो कि आप आराम से ले सकती हैं, इसका कोई मसला नहीं। बड़ी चीप या इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत बेबी के नशोनुमा में बहुत ज़्यादा है। जब बच्चा अर्ली स्टेजेस में बन रहा होता है तो उस वक़्त सेल बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं और जब वो बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं तो उनको डिवाइड करने के बाद नया सेल बनने के लिए फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है और ये फॉलिक एसिड बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बच्चे को बचा देता है, जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं। अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो तो बच्चे के अंदर बहुत से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बन सकते हैं, जैसे कि ब्रेन का ना बनना जिसको एनेनकेफली कहा जाता है। उसके अलावा पीठ में हड्डियाँ बन सकता है, मेनिंगोसील बन सकती है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए मैं एडवाइज़ करूँगी कि औरतों को प्रेगनेंसी से पहले ही फॉलिक एसिड स्टार्ट करना चाहिए। इसको हम आमतौर पर दूसरे लफ्ज़ों में प्री कंसेप्चुअल फॉलिक एसिड भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि पहले ट्राइमेस्टर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पहले सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो कि एक मदर के लिए बहुत डेविस्टेटिंग होती है वो होती है मिसकैरेज होना। मिसकैरेज का मतलब है बच्चे की डेथ हो जाना 20 week से पहले। इसको अर्ली मिसकैरेज कहते हैं। अर्ली मिसकैरेज जो है मोस्टली पहले 12 weeks में होती है। ज़्यादातर प्रेगनेंसीज जो कि मिस कैरी करती हैं उनमें ज़्यादा कॉमन कॉजेज़ जो होते हैं वो होते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज़, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से अदर कॉजेज़ हैं जो कि मिस कैरेज कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर अर्ली प्रेगनेंसी की जो मिस कैरी होने की चीज़ें हैं उनमें आता है या तो कोई इन्फेक्शन हो जाना, जैसे कि कोई वायरल इन्फेक्शन है, साइटोमेगालो वायरस है, टॉक्सोप्लास्मोसिस है, इस तरह के इन्फेक्शंस हैं, इनकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकती है। उसके अलावा डायबिटीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है।
अगर आपकी को फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, मतलब आपकी फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो आपको चाहिए कि आप अपना चेकअप प्रेगनेंसी से पहले करवाएं, ताकि पता हो कि आपकी डायबिटीज़ वेल कंट्रोल्ड है कि नहीं। अगर डायबिटीज़ वेल कंट्रोल्ड नहीं है तो उस सूरत में बेबी के अंदर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज़ बन सकती हैं जो कि मिसकैरेज कर देती हैं, या बाज़ दफ़ा बच्चा बहुत ही अर्ली स्टेज में फौत हो जाता है या मिसकैरी हो जाता है। उसके अलावा जो कॉजेज़ हैं मिसकैरेजेस की, जो कि थोड़े से लेटर पार्ट में आते हैं, उसमें आ जाती हैं यूट्राइन मेलफॉर्मेशंस वगैरह। कोशिश करें कि आप ज़्यादा फ्राइड फ्रूट्स नहीं खाते, फ्राइड फूड नहीं खाते। आपको चाहिए कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएँ, उनको फूड को यानी कि सलाद को बहुत ही अच्छी तरह से वॉश करके इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत से जर्म्स हो सकते हैं जो कि आपको लग सकते हैं। जैसे मैंने बात की थी अभी टॉक्सोप्लास्मोसिस के बारे में, टॉक्सोप्लास्मा एक ऐसी इन्फेक्शन है जो कि आम तौर पे रॉ मीट को हैंडल करने से लग जाता है। तो इसलिए अगर आप अगली प्रेगनेंसी के दौरान मीट को हाथ लगाना, आपको ज़रूर अव्वल तो कोशिश करें कि आप रॉ मीट को हाथ ना लगाएं, लेकिन अगर आपको मीट धोना पड़ जाए या कुछ, तो आपको चाहिए कि आप ग्लव्स पहन के उसको धोएं, ताकि आपके नाखूनों में वो जर्म्स ना चले जाएं। और उसके अलावा जब आप खाना खाएं तो हमेशा बहुत अच्छी तरह से हाथ धोकर खाना खाएं। एक और चीज़ जो मैं इस वक्त मेंशन करना चाहूँगी कि आम तौर पे कैट्स और डॉग्स के लिटर में भी टॉक्सोप्लास्मा होता है, तो कोशिश करें कि प्रेगनेंसी के अर्ली प्रेगनेंसी स्पेशली फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान आप कैट्स वगैरह से दूर रहें और उनको अपने मुंह के करीब ना लेकर आएं। जब मैंने बात की थी कि हमें प्रेगनेंसी के स्टार्ट होने से पहले प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो उसी में आता है रूबेला की स्क्रीनिंग। आपको चाहिए कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपनी रूबेला की स्क्रीनिंग करवाएं। अगर आप मोस्टली लड़कियां हम रूबेला इम्यून होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तकरीबन हर बच्चे को MMR इंजेक्शन मिलता है। MMR इंजेक्शन इस मीज़ल मम्स एंड रूबेला वैक्सीनेशन, और इससे ख्वातीन जो हैं वो अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर लेती हैं। लेकिन चंद परसेंट ख्वातीन स्टिल रूबेला इम्यून नहीं होते, इसलिए आपको चाहिए कि प्रेगनेंसी स्टार्ट करने से पहले आप रूबेला की का स्टेटस मालूम करें, वेदर कि आप इम्यून हैं कि नहीं। अगर आप इम्यून नहीं हैं तो आपको चाहिए कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपनी वैक्सीनेशन करवा लें। अब हम बात करते हैं डाइट के बारे में। जैसे कि मैंने कहा कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मिल्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप चिकन वगैरह भी खा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गोश्त की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और चूँकि औरतों को आमतौर पर नौज़िया वॉमिटिंग हो रहा होता है, तो वो ज़्यादा गोश्त खा भी नहीं पाती। मेरे पास ज़्यादातर ख़वातीन आती हैं, वो ये कहती हैं कि जी देखें, मुझसे तो कुछ खाया ही नहीं जाता, मुझे तो हर चीज़ से वॉमिटिंग आ जाती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपने आप को फोर्सफुली ईट करने पर मजबूर ना करें। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी फ्रीक्वेंट वक्फे से खाती हैं तो वो भी काफ़ी है। ये मत सोचें कि चूँकि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो फ़ौरन ही आपको बहुत ज़्यादा खाना खाना है या दो लोगों का खाना खाना है। दैट्स नॉट राइट। आप नॉर्मल ग़ज़ा भी अगर खाएंगी तो वो मोर देन इनफ है उस स्टेज पे। उसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि हल्की सी वॉक, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, इसको जारी रखें। स्मोकिंग बहुत ही ख़राब है प्रेगनेंसी के लिए। अगर आप स्मोकिंग करती हैं तो आपको चाहिए कि स्मोकिंग को कट डाउन करने की कोशिश करें। उसके अलावा अगर आपके हस्बैंड या आपके घर में आपके इर्द गिर्द के अफराद भी स्मोकिंग करते हैं, तो आपको आपकी प्रेगनेंसी को उसका उतना ही नुकसान होगा जितना कि आप खुद स्मोकिंग कर रही हैं। इसलिए अगर आपके रिलेटिव्स या आपके हस्बैंड या भाई या जो भी हैं जो स्मोकिंग करते हैं, उनको एडवाइस किया करें कि वो आपसे दूर या दूसरे कमरे में या बाहर खुली हवा में जाके स्मोकिंग करें। अल्कोहल भी बहुत ही ख़राब है प्रेगनेंसी में, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज़ बच्चे में डेवलप हो सकती हैं। कैफीन भी कोशिश करें कि जब आप प्रेग्नेंट हैं तो कैफीन को अवॉइड करने की कोशिश करें, जैसे कि चाय या कॉफ़ी जो है ये भी ज़्यादा अमाउंट में अच्छी नहीं होती प्रेगनेंसी के लिए। कोशिश करें कि सादा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं।
پریگننسی میں ارلی پریگننسی میں جیسٹیشنل ڈائبٹیز بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے، وہ بھی بہت کمپلیکیشنز کاز کر سکتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کو فیملی ہسٹری آف ڈائبٹیز ہے یا اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پہلے اپنی ڈائبٹیز کا کنٹرول کروائیں، اپنی ایچ بی اے ون سی چیک کروائیں، اگر وہ نارمل لیول میں ہے تب پریگننسی پلان کریں اور اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔